नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पुलिस पर कई बार अवैध वसूली के आरोप लग चुके हैं। ताजा मामले में आरटीओ ऑफिस के द्वारा की गई वसूली को लेकर के संदेह उत्पन्न हो रहा है। आपको बता दें कि रीवा आरटीओ के द्वारा लगातार क्षेत्र में चल रहे अवैध तरीके से वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है और जिसके तहत भारी संख्या में वाहनों का चालान काटा जा रहा है। मामला जवा चिल्ला मार्ग का है, जहां पर पिछले दिनों आरटीओ कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा वाहनों की चेकिंग का कार्यक्रम चलाया गया था। लेकिन मजे की बात यह है कि चेकिंग के दौरान आरटीओ के आला अफसर नदारद दिखे, वहीं मौके पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी के द्वारा आरटीओ चेकिंग के नाम पर वाहनों का चालान काटते हुए देखा गया। साथ ही साथ वहां पर चालान काटे गए एक ड्राइवर के द्वारा पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि यहां पर सभी पुलिस वालों के द्वारा वाहनों का एक निश्चित मानदेय तय होता है जो हर महीने लिया जाता है और मेरे वाहन का चालान काटा गया है क्योंकि हमारे लिए तय मानदेय को भुगतान हमने नहीं किया है। साथ ही साथ मीडिया कर्मियों ने पुलिस के कर्मचारी से कहा कि यहां पर अन्य कोई कर्मचारी क्यों मौजूद नहीं है, तो इस सवाल पर वह बसता हुआ नजर आया। साथ ही साथ मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पुलिस के कर्मचारी को काफी असहज तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इस तरह की वसूली कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर, पुलिस की गतिविधि पर सवाल उठाती है कि वास्तव में नियमबद्ध तरीके से चालान काटे जा रहे हैं या सिर्फ पैसा वसूली के उद्देश्य से ही कुछ जगहों पर चालान काटे जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं मौके का ये पूरा का पूरा वाकया द खबरदार न्यूज पर। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। क्या समस्या हुई आपके साथ? गाड़ियाँ जा रही हैं, बॉर्डर पे से पैसा लेते हैं और वहाँ से आके यहाँ गाड़ी रोक रहे हैं, पैसा मांगते हैं। कल गाड़ी गई थी, उससे 3500 रुपए दिए थे। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी ओवरलोड है और आपने ओवरलोड के लिए पैसा लेते हैं। अंडरलोड का पैसा थोड़ी लेते हैं। पैसा लिया जाता है? तो भाई कितनी गाड़ियाँ छोड़ दी इन्होंने? कितनी छोड़ी? इन्होंने 5-6 गाड़ियाँ छोड़ी है। महाकालेश्वर की छोड़ी है और एक गाड़ी जा रही थी सीमेंट भर के, उससे 15,000 लिया है। एक पिकअप जा रही थी, उससे 5,000 लिया है। आपसे भी पैसों की मांग हुई थी? पैसे बोले कि पिछला पैसा बाकी है, पिछला तो पिछला नहीं दे रहे हो, दिक्कत हो रही है। पिछला पहले महीना देते थे, बॉर्डर से गाड़ी चलती थी 10,000 रुपए महीने। इसलिए आप गाड़ी रोकी गई? हाँ, इसलिए रोकी गई है। भाई गाड़ी छोड़ दी जा रही है? हाँ, बाकी गाड़ी छोड़ दी जा रही है। अभी तो ये पहला है। कुछ ट्रक और भी आए थे, जिसके कागज कम्प्लीट रहते हैं, जो आमने सामने मिलता है, जिसको रोकते हैं, जिसके कागज सही रहते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। तो सर कार्यवाही को कोई तुक ही नहीं बनता है। क्षेत्र में बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं, सैकड़ों ट्रक एक दिन में चलते हैं, उन पर कार्यवाही कब तक होगी? नहीं तो देखिए, ये तो कलेक्टर साहब का और आरटीओ साहब का आर्डर है, उनने मार्च तक के लिए दिया है, मार्च तक चलेगा ये। ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एंट्री वसूली में नहीं ऐसा क्यों? जो गाड़ी सही रहेगी तो फिर क्या, कोई तुक नहीं बनता। फिर तो सीधे सीधे ये होगा कि हम उसको नाजायज परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सर। आरोप और भी है कि प्राइवेट लोगों से दलाली कराई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ सर कितने लोग पुलिस वाले, कितने प्राइवेट लोग आए हुए हैं? ये गलत बात। नहीं सर, यहाँ तो लोग पुलिस वाले एक दो दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्राइवेट वाले हैं जी। ये सारे स्टाफ है? नहीं, कोई जवाब। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।